नमस्कार प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाया जो राजनीति से थी, जो केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, फिल्म कला संगीत संस्कृति के शख्सियत से भी हमने आपको मिलवाया, लेकिन आज हम आपको हिंदुस्तान की सरहदों से पार लेकर चलेंगे और मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने नाम से, अपने काम से, अपनी सफलता से दुनिया भर में शोहरत हासिल की, और शोहरत भी ऐसी जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली चबा लेंगे। जरा कल्पना कीजिए, यदि आपका कोई लकी नंबर है और आप उस नंबर की कार लेना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक कितना खर्च कर दोगे? लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख, हो सकता है करोड़, दो करोड़ भी खर्च कर दो। लेकिन हमारे मेहमान ने अपने लक्की नंबर 9 के लिए, अपनी रोल्स रॉयस के नंबर प्लेट के लिए जानते कितना खर्च किया? 66 करोड़ रुपए, 33 मिलियन धिराम। और केवल इस कार के लिए नहीं, उनकी बाकी कारों के लिए भी कभी 5, कभी 10, 20 करोड़ खर्च किए, और अपने मोबाइल के लिए तो उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए। हम बात कर रहे हैं राज साहनी, बलविंदर साहनी, अबू सबा के बारे में, जो 3 अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, कुवैत में जन्मे हैं और दुबई में काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं राज साहनी जी से। राज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, इतना शोहरत हासिल की और एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच गए, इन सब की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? माँ बाप का आशीर्वाद सबसे ज्यादा, किस्मत। मैं बहुत मेहनती हूं, मैं दिन में 15 से 18 घंटे काम करता हूं, बहुत कम सोता हूं, लेकिन मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं, शायद वो इस जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा मेरे पास मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, सब कुछ उनके उनकी बदौलत है। आज मेरे माँ बाप को गुजरे, दारजी को गुजरे 17 साल हो गए और मम्मी को गुजरे 13.5 साल हो गए हैं। आज भी जब मैं सुबह घर से निकलता हूं तो उनकी चप्पलें को आशीर्वाद लेके जाता हूं। मैं यही कह सकूंगा आज की पीढ़ी को कि माँ बाप का ध्यान, माँ बाप का आशीर्वाद, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन इस मुकाम तक कोई कोई हासिल कर पाते हैं इस मुकाम को, इसका मतलब यह है कि वास्तव में माता पिता का आशीर्वाद साथ हो सब तभी कुछ हासिल हो सकता, उनका सब आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद बिना कुछ नहीं है। राज्य, आपको नंबर प्लेट और लक्की नंबर के लिए इतना खर्च कर देना, ये आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस चीज को? मुझे नंबरों का बचपन से ही शौक था, बहुत शौक था। मैं कुवैत में पैदा हुआ हूं, छोटे से मुझे नंबरों का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। छोटे वक्त भी मैं गाड़ियां अगर लूंगा तो पहले नंबर ढूंढूंगा, फिर मैं उनको गिनूंगा, अगर इसका नंबर 9 है तो फिर मैं लूंगा, घर भी लूंगा, जमीनें भी लूंगा, कोई भी बिजनेस करूंगा तो मैं कोशिश करता हूं कि नंबर 9 पे जाए। मैं कभी कभी अपने चेक्स देता हूं, अगर कोई बड़ी डील हो रही होती तो मैं नोट, मैं मेरे अकाउंटेंट्स को सबको मालूम है कि वो टोटल नंबर, क्योंकि हमारे पास हजारों के हिसाब से चेक जाते हैं, तो उनमें से जितने भी 9 नंबर के चेक होंगे, फॉर एग्जांपल 2, 2, 1, 4, टोटल, तो वो जितने भी 9 के चेक होंगे वो अलग जगह रखे होते हैं मेरे लिए। अच्छा जी 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 जी। आप एक बात बताओ, आपने 66 करोड़ रुपए अपनी एक नंबर प्लेट के लिए खर्च किए, जी 8 करोड़ रुपए आपने अपने मोबाइल के लिए खर्च किए? नहीं, मोबाइल के लिए 10 करोड़ था, 10 करोड़ खर्च किए, बाकी नंबरों के लिए भी आपने खर्चा किया। जी जी जी। आज देश में, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग भूखमरी के कारण से, कुपोषण के कारण से मर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि भी आपने जो करोड़ों रुपया अपने शौक के लिए खर्च कर दिया, वही पैसा अगर इन गरीबों के लिए जाता तो ज्यादा अच्छा होता? राकेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं जवाब आपको बिल्कुल ध्यान से दूंगा। हम रहते हैं एक सिटी में जिसका नाम है दुबई। यहां के जो राजा हैं और अबूधाबी के राजा हैं, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल अलग है बाकी दुनिया के हिसाब से। जब भी हम ये नंबर लेते हैं गवर्नमेंट से लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये पैसा
गुड कॉज में लगाता है। अच्छा जी जी जी, मैंने एक नंबर लिया था मेरे ख्याल से आज से बहुत साल पहले, करीबन 55 करोड़ 60 करोड़ रुपए का, उससे इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था। वेरी गुड जी जी जी। मतलब ये पैसा ऐसा नहीं है कि सरकारी खजाने में गया और सरकारी काम में लग गया? बिल्कुल नहीं जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये सारा गुड कॉज में जाता है, लोगों को खाने के लिए। नहीं नहीं, ये तो इनडायरेक्टली आपने चैरिटी के लिए खर्च किया। जी 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 जी, मेरे दोनों काम पूरे हो गए। मुझे उसे कहते हैं नंबरों का बहुत शौक है, और साथ में उसे कहते हैं मैं जो पैसा ले रहा हूं इसलिए मुझे पैसों की इसकी कोई परवाह नहीं थी कि जितने भी जाएगा मैं दूंगा, और मेरे दोनों काम हो रहे हैं। और दुनिया में पहचान भी बन गई। मैंने कभी जिंदगी ये नहीं सोचा था कि नंबरों की वजह से कि मेरी पहचान होगी। ये पहचान होनी इतना अच्छी चीज नहीं है। ये मैं पहले आज से 4-5 साल पहले, मेरे पहले भी पैसे थे, अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त मेरी जिंदगी बेटर थी। अभी मैं ज्यादा बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाहर के देशों में जाऊंगा तो फिर, लेकिन यहां पर तो मुझे कोई चीज की तकलीफ नहीं है क्योंकि यूएई में सिक्योरिटी, दुबई में सिक्योरिटी, दुनिया में किसी कोने में नहीं है ऐसी सिक्योरिटी। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं तो मेरे पास 5-5, 6-6 बॉडीगार्ड होते हैं। मैं कहीं तो वो स्ट्रेस है एक तरीके से। आपकी प्राइवेसी नहीं है, आपको दुनिया से हजारों जगह से ईमेल्स आते हैं, लोग आपको कोई जेन्युइन भी लोग होते हैं जो आपसे मदद मांगते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। कोई जो लोग जेन्युइन नहीं होते तो टू बिकम फेमस इज नॉट वेरी गुड, मैं ये कहूंगा। राजी, आप रियल एस्टेट में हैं और हमने सुना कि आपके प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो जाते हैं। जी, जब हम भारत में रियल एस्टेट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट जनरली 2 साल 3 साल 5 साल डिले होते हैं, जिसके कारण से जो उनके खरीददार हैं उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो मैंने जब अभी आपसे शुरू की थी बात, मैंने बोला था मैं बहुत मेहनती हूं, मैं हर चीज अपने हाथ से करूंगा, मैं हर चीज की परमिशन मेरे सिग्नेचर से बिना नहीं हो सकती। मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, इंजीनियर्स और प्रोक्योरमेंट, लेकिन मेरी कंपनी में पता नहीं हो सकता जब तक मैं खुद अप्रूव ना करूं। और मुझे दुबई के राजा की एक चीज पसंद आई थी आज से बहुत साल पहले, कि उनका एक इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने दुबई के हिज हाइनेस शेख मोहम्मद से पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों बना रहे हैं, आप ये शहर को 25 साल में कैसे बना सकते हैं, लोगों को 100 साल लगते हैं। तो वो कहते हैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो मुझे वो चीज बड़ी पसंद आई। तो मैंने भी जब ये अपना पहला प्रोजेक्ट किया था आज से 8 साल पहले मेरा पहला प्रोजेक्ट था, तो वो प्रोजेक्ट की तकरीबन मैंने जब लोगों से पूछा इसको कितना टाइम लगेगा, 3 बिल्डिंगें थी, तो मैंने कहा था कि इसको कम से कम 3 साल लगेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसके आधे में कराना है। तो कहते मुश्किल है लेकिन अगर तुम मेहनती हो तो हो सकता है। मैंने बोला और मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं ये प्रोजेक्ट 18 महीने में खत्म करूंगा, 3 बिल्डिंगें। अच्छा, 18 महीने में। तो उस वक्त लोगों ने, मेरे जो दोस्त थे उन लोगों ने मजाक उड़ाया, नहीं लोगों ने ये भी बोला कि ये चलो इसके पास पैसा है लेकिन ये डेवलपमेंट इतना ईजी नहीं है। तो उसके बाद मुझे बड़ा अजीब लगा, तो फिर मैंने अपनी टीम को बुलाया, मैंने बोला देखो मुझे ये प्रोजेक्ट 15 महीने में खत्म करना है। मैंने दिन रात, और मैंने वो प्रोजेक्ट 15 महीने में ही खत्म किया। दूसरी ये बात यह है कि यहां की जो गवर्नमेंट है दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर वो हमारे जैसे एक जेन्युइन आदमी को जानते हैं, दे विल सपोर्ट यू, यानी परमिशंस में। यानी मेरा एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने मास्टर प्लानिंग चेंज कर दी मेरे लिए, तो उन्होंने बोला कि वी विल हेल्प यू। तो दुबई में दे नीड जेन्युइन पीपल लाइक अस, दे डोंट लाइक दिस फ्रॉडी डेवलपर्स जो आते हैं लोगों के पैसे से बनाते हैं, और पैसा इधर से लिया और 4 प्रोजेक्ट किए और फिर जब मार्केट गिर गई वो सब भाग गए। तो वी हैव अ वेरी बिग रिस्पेक्ट हेयर विद द गवर्नमेंट, यू नो दे अप्रिशिएट अस एंड दे मूव माउंटेन्स टू सपोर्ट अस। आप कहना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से भारत के मुकाबले या दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले दुबई में काम करना आसान है? बहुत आसान है। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अमेरिका में, उतना टाइम लग गया वहां पर, और मैंने एक और घर लिया लंदन में, तो मुझे कुछ चेंजिंग करनी थी उसको उन्होंने वहां की प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इतना टाइम लगा दिया। तो नो, यू कैन नॉट कंपेयर दुबई विद एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन प्लानिंग, इन गेटिंग अप्रूवल्स। यू नो, आप मानेंगे कि मैं कुवैत में पैदा हुआ था और 15 साल पहले आया था, मैं आज 15 साल हो गया हूं यहां पर, मुझे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं मालूम।
सब कुछ ऑनलाइन होता है. इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर. बिल्कुल, आखिर भारतीय संस्कृति तो हमें यही सिखाती है. बिल्कुल सही बात है. जी जी. तो जब भी मुझे किसी की फोन आए इंडिया से, कोरोना टाइम भी जिसने भी मुझे किसी हमें गुरुद्वारों से फोन आए हमने दिए. एंड आज मैं 49 ईयर्स का हूं, लेकिन 17 साल पहले मैंने पंजाब में एक जगह है, इसका नाम है अमृतसर. हाँ जी, सारी दुनिया जानती है. उसके अंदर एक जगह है, उसका नाम है पिंगलवाड़ा. जी, मुझे नहीं मालूम आप कभी गए हैं वहां के नहीं, लेकिन आप उसको जाके देखें. तो जब मेरे दारजी पूरे हुए थे तो मैं चाहता था कि मैं अपने दारजी के लिए उन्होंने मुझे जन्म दिया है और उनकी बदौलत मैं दुनिया में आया हूं. तो मुझे उनके शांति के लिए कि उस स्वर्ग में शांति से रहें, मैं तीन बहुत जगह स्टडी किया कि मैं क्या करूं ऐसे. फिर मैंने पिंगलवाड़ा गया तो मैंने वहां पर देखे अपाहिज लोग, लेडीज, उनके पास खाने की जगह, खाने की तकलीफ इंडिया में है ना. तो फिर मैं इस कंपनी में, इस जगह पे गया, इस चैरिटी, और मुझे वहां बहुत अच्छा लगा. तो फिर मैं वहां पर एक औरत थी, उनका नाम था, अभी भी हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, डॉक्टर इंद्रजीत कौर. वो बेचारी 75 साल की, उन्होंने कभी शादी नहीं की. एंड वहां की वो चेयरमैन है. तो फिर मैंने उनको बोला मुझे आप मुझे मैंने कुछ करना है. कहती है कि हमारे पास जमीन बहुत है, अगर आप एक बना सकते हो, एक ओल्ड एज बना लें जिसमें, क्योंकि हमारे इंडिया में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनको, हर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कोई लोग ऐसे हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं. तो उनके पास रहने की जगह नहीं. तो फिर मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई वहां पर. बहुत सुंदर. जी जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी. तो उसको तीन साल लगे थे उसको. मैं हैरान था कि इतना टाइम क्यों लग गया, लेकिन जगह भी बहुत बड़ी थी. उसके बाद जब मुझे अपनी मम्मी को लेने के टाइम आ गया कि मम्मी को दिखाऊं वो, तो मेरी मम्मी स्वर्ग चली गई. तो फिर मैं वहां पर फिर गया. मैंने बोला मैंने अपने दारजी के लिए तो ये बनाया, तो मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहता हूं. तो उन्होंने बोला कि हम यहां पर एक टीबी हॉस्पिटल बना सकते हैं. तो फिर मैंने बोला बहुत सुंदर. जी जी. फिर मैंने वहां पर एक अपनी मम्मी के नाम पे एक टीबी हॉस्पिटल बनाया. वो जब खत्म हुआ तकरीबन 2012 में, तो फिर मैंने बोला मैं कुछ अपने लिए भी कर लूं वहां पर, पता नहीं मेरी औलाद मेरे लिए कुछ बनाएगी कि नहीं. वैसे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने होते होते कुछ कर लूं यहां. तो फिर मैं वहां पर फिर गया तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास एक स्कूल नहीं है बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, इसको डम एंड डफ स्कूल. तो वहां पर सबसे बड़ा स्कूल मैंने बनाया. बहुत सुंदर. जी जी. आपको अपनी मातृभूमि से, अपने वतन से जी, इतनी दूर होते हुए भी इतना प्रेम है, प्यार है, बहुत अच्छा लगा. जी जी जी. और ये वास्तव में उन लाखों एनआरआईज के लिए और बाकी लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा की बात है कि अपनी मिट्टी से हमें लगाव छोड़ना नहीं चाहिए, उससे उतना ही प्यार रखना चाहिए. राजी, आज पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो हम थर्ड वर्ल्ड वार की भी बात सुनते हैं, हम केमिकल वेपन की भी बात सुनते हैं, रेसिज्म और टेररिज्म आज हर देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है. आप दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे विश्व शांति इस दुनिया में आ पाएगी? देखिए, मैं इसके बारे आपको कुछ नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि मैं एक जगह में रहता हूं, यहां पर हम कभी टेररिज्म के बारे सुनते ही नहीं है. सुनते ही नहीं. रेसिस्ट के बारे तो है ही नहीं. आप मानेंगे यहां पर इस कंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है कि आप इंडियन हैं कि आप एक इमराती हैं. और यहां के राजाओं ने सख्त कानून बनाए हैं कि अगर आपने किसी को बोल दिया कि तुम इंडियन हो या तुम ये हो या तुम काले हो, तुम्हें 1 करोड़ रुपए की सजा है. तो मैं, ये आपका जो सवाल है, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन बस मैं यही कहूंगा लोगों को कि भाइयों, दुनिया इतनी खूबसूरत है, हम थोड़े दिनों के लिए यहां पर आए हैं, खाओ पियो ऐश करो. क्या रखा है इन लड़ाइयों में, ये है वो. बहुत अच्छा है. और खाओ पियो ऐश करो, साथ में अपने उन निर्धन, गरीब, डाउन ट्रोडन और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए भी काम करते रहो, जो आप अमृतसर में और जैसा आपने बताया वहां का. राजी, हमने आपकी पुरानी फोटोग्राफ्स और वीडियो देखे, आपका लंबा चौड़ा शरीर था, मेरे ख्याल वजन भी 100-125 किलो के आसपास का. नहीं, मेरा वजन ज्यादा था उससे. ज्यादा था. तो क्या रहस्य, क्या किया आपने ये सब?
मैंने आपको, मैं ना बड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हूं और मुझे चैलेंजेस देने का बड़ा शौक है। तो मैंने ना 5 साल पहले एग्जैक्टली मैंने एक गाड़ी ली, उस वक्त तो गाड़ी उतरी थी, किसी के पास नहीं थी वो गाड़ी, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में आती है वो बुगाती। तो मैंने वो गाड़ी खरीदी तो मैं उसमें बैठ नहीं सका, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने बोला मैंने गाड़ी तो ऑर्डर कर ली है, मैं इसमें बैठ नहीं सकता। मैंने गाड़ी उसी वक्त बेच दी। मैंने बोला मैं गाड़ी तब लूंगा 4-5 साल के बाद जब मैं पतला होऊंगा। अच्छा, तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैं क्या करूं? फिर डॉक्टर ने बोला सबसे अच्छा तरीका है 6 महीने में तू पतला हो जाएगा, तुझे बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना है कि तू खाना नहीं खाएगा। मैंने बोला नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। तो जो मेरे साथ दोस्त गए थे उन्होंने बोला तो कभी नहीं हो सकता, तो मैंने बोला ठीक है मैं करूंगा। तो मैं तकरीबन 5 साल से मैं अपने खाने का बड़ा ध्यान रखता हूं। मैं दिन में 2 घंटे चलता हूं, मैं दिन में 1 बार खाना खाता हूं, 7-7.5 दिन में 1 बार खाना खाते जी हैं जी। वो भी शाम को 7-7.5 और बाकी दिन भर में पानी पीता हूं, कोई खाना नहीं? नहीं, चावल खाए मुझे आज तकरीबन 4-5 साल हो गए। गलती से एक आध बीच में यानी 2-4 महीने में इतने से कोई राजमा चावल खा लिया, बिरयानी खा ली, लेकिन जबकि आप तो पार्टियों के शौकीन हैं, दुनिया भर के शेख और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लोगों को आप अपने घर पे पार्टियों के लिए बुलाते हैं। हाँ, लेकिन मैं खाना खाता हूँ, यानी अगर कोई दोस्त आ जाए जो वेजिटेरियन, उसके साथ वेजिटेरियन खाऊंगा, लेकिन चावल नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। जिस जहां मुझे रोटी से इतना प्यार है, जिस तरह मुझे आलू के परौंठे अच्छे लगते हैं, गोभी के परौंठे, मूली के परौंठे, इसके बाद दाल मखनी ठंडी, यू नो, ये पंजाबी उन छोटे वन से ये खाते थे, संस्कारों का साग और मक्की की रोटी है, बट मैं रोटी नहीं खाता अभी, ना रोटी खाता हूँ, ना चावल खाता हूँ, ना मीठा करता हूँ। तो आपने अपना वजन 140 से और 100 से नीचे आ गए? मेरा अभी वजन 85 है। इट वेरी जी, ये है डिटर्मिनेशन, एक बार मन में ठान लिया तो करना ही करना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके कुछ फोटोग्राफ्स वीडियो हमने देखे, आप शेरों के साथ खेल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मेरा एक दोस्त है, बहुत जब से मैं दुबई में हूं उससे दोस्त है, और अभी हम एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना रहे हैं, बहुत बड़ा, हमें गवर्नमेंट ने जगह दी और हम वहां पर अपने शेर रखेंगे, चीता रखेंगे, जिराफ, दुनिया के हर अजीब सबसे बड़े से बड़ा जानवर होगा वहां पर जी। लेकिन मेरे को ये बताओ कि जैसे डॉगी को हम हग कर लेते हैं, आप उस वीडियो में, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, अपने वीडियो में आपने शेर को हग किया हुआ है? इतना नहीं हग किया, लेकिन ये ट्रेंड होते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं, हमारे घर में आते रहते हैं शेर, यहां पर अलाउड नहीं करना, मेरे घर में घूमते रहते हैं शेर जी जी। राज्य, हर सफल व्यक्ति के बिजनेस के कुछ मूल मंत्र होते हैं जो उसको ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं और जो दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी होते हैं, क्या कहेंगे? मैं लोगों को, ऑफकोर्स मैं चाहूंगा कि लोग मोटिवेट हों, बट मैं लोगों, कोई कोई लोग मेरे बारे कहते हैं कि ये बहुत पैसा खर्च करता है, ये ऐसा करता है, ये गाड़ियां लेता है इतनी, मैं अपने आप पे एंजॉय करता हूं, लेकिन मैंने पहले अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत की है और मैंने अपने दादाजी से बड़ी चीजें सीखी हैं, और एक चीज मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाली है, आप लोगों को देखना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए, आज के फ्यूचर किड्स को देखना चाहिए कि मनी स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, यू सेव मी टूडे, आई सेव यू टूमोरो। मनी स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज, यू सेव मी टूडे, आई विल सेव यू टूमोरो। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आप मुझे आज बचाओगे तो मैं कल आपको बचाऊंगा। बहुत बढ़िया जी। ये नहीं है कि मैं, अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो मैंने 100 करोड़ की गाड़ियां ले ली हैं, नंबर नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, इतनी बड़ी बात वो व्यक्ति कह रहा है जो करोड़ों रुपया नंबर प्लेट के लिए या मोबाइल नंबर के लिए खर्च करता है, तो आप समझ सकते हैं कि रुपए की क्या कीमत होती है और रुपए को हमें कितना महत्व देना चाहिए। बहुत मेहनत, मेहनत देना चाहिए, बहुत बहुत। मैं जब छोटा था, तो जब मैं बहुत छोटा था ना, 7-8 साल का था, मुझे पैसे से तब से बड़ा प्यार था। आपके पास एक विजन होना चाहिए, तो मैं चाहता था कि मेरे पास बहुत पैसे हों। तो जब मेरा जन्मदिन होता था या कोई नया साल या कोई पार्टी होती, तो मेरे डैडी मुझे पैसे देते थे ना, तो मुझे 10 बड़ा नोट देते थे, 10 का नोट, वहां को 10 दिनार कहते हैं। तो मैं वो 10 दिनार का नोट लेके बैंक जाता था
और मैं बैंक वाले को बोलता था मुझे छोटे छोटे नोट दो, और वहां पर क्वार्टर दिनार का नोट होता था, तो एक नोट का मुझे 40 नोट मिलते थे और मैं बड़ा खुश होता था। और मैंने ऐसे गठिया बना के रखी, मुझे बचपन से था कि मुझे पैसे कमाने हैं, बचाने हैं और फिर मैं ऐश करूंगा। तो मैं छोटेपन से मैंने पहले पैसा, मैंने मेहनत बहुत की, मैंने पैसे खर्चा तभी करता था लेकिन बचाता था। राज्य, आप हमारी यंग जनरेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और सफल बिजनेसमैन हैं। मैं अपने यंग दुनिया के हर बच्चों को या यंगस्टर्स को ये बोलूंगा कि फोकस फोकस करें। लाइफ इज नॉट ईजी, लाइफ इज चैलेंजिंग, बट इफ यू फोकस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जब 3-4 काम इकट्ठे आ जाते हैं, मैं बोलता हूं मैं नहीं करूंगा, मैं एक काम करूंगा। मैं एक काम करूंगा बट आई विल फोकस ऑन इट, कि ए टू लेके जेड इसमें कोई गलती ना हो। रिक्रूटमेंट हो जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, सेल हो जाए, लीगल हो जाए, आई विल मेक श्योर कि आई एम फोकस्ड ऑन इट। एंड मैं आपको फिर बोलूंगा और बच्चों को भी बोलूंगा कि मां बाप का आशीर्वाद इससे बड़ा कुछ नहीं है। लक कैन चेंज, आई एम टेलिंग यू। आप इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर संभालते हैं, आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, किस तरह की दिनचर्या रखते हैं? मैं दिन में 2 घंटे चलता हूं। अच्छा। हाँ, मेरी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। एक तो मुझे लगता है आपको भी याद होगी, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने बोला था राकेश जी आओ हम पहले 1 घंटा चल लें। हाँ, बिल्कुल याद है। तो इससे क्या होता है कि सर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। जब मैं किसी अच्छे लोगों को मिलता हूं तो फिर अगर उनके साथ मेरी मीटिंग है तो मैं उनके साथ 1 घंटा चलता हूं, मेरी सेहत भी चलती है साथ में और मेरे काम भी हो जाता है। आई एम एक्टिव, मैं अपनी साइट्स पे भी जाता हूं, मैं हर जगह खुद जाके चेक करता हूं। मेरी ताकत मेरा स्टाफ है, बट स्टिल आई डू देयर जॉब ऑल्सो। कभी आपके अंदर अहंकार नहीं आया कि इतना बड़ा मैंने नहीं खुद से क्रिएट किया? एक मैं बताऊं, जब मैं छोटा था, मैं सच्ची बताऊं, जब मैं छोटा था, जब मैं 15, 16, 17 साल का था, तब मैं बड़ा अहंकारा हुआ था। 18 का था, 19, 18 अहंकारा हुआ था, छोटा सा था। मेरे बड़े भाई ने मुझे गाड़ी लेके दी थी और उस वक्त वो सबसे महंगी गाड़ी थी कुवैत में, उस वक्त आज से नहीं, समझ लो 50 लाख रुपए की गाड़ी थी, आज से 30 साल पहले। तो मेरे पास पैसे थे, मैं मेहनती छोटे से था, और जब मैं छोटे से था मेरे पास पैसा था। तो एक बच्चा जिसके अब लाइक 17 साल का था और मुझे मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी और पैसा, मैं खुद कमाता था, मेरे यू नो लाइक इट वॉज ज्वाइंट बिजनेस विद माई ब्रदर, लेकिन मेरा खुला हाथ था उस वक्त। तो उस वक्त मैं बड़ा अहंकार हुआ था, लेकिन स्लोली स्लोली मुझे पता चला कि जब तुम अंकारे होते हो तो तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें लोग नफरत करेंगे। आज मेरे आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, लेकिन अगर आप अच्छे होंगे तो मैं आपको प्यार करूंगा, लेकिन आप अंकारे होंगे तो मुझे आपसे क्या लेना देना है, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। और ये जब मैं समझा तो मैं एकदम आई स्टार्टेड फ्लाइंग, कि अहंकार सबसे बुरी चीज है। राजी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद आगे कहां की तैयारी? अभी तो मैंने शुरू किया। अच्छा। अभी तो मैंने शुरू किया। अभी मैं एक अपना होटल बना रहा हूं दुबई की सबसे खूबसूरत लोकेशन पे, अभी शुरू हुआ है 6 महीने पहले। अभी तकरीबन ये प्रोजेक्ट भी 5 से 7 साल का, लेकिन मैं 2.5 साल में खत्म करना चाहता हूँ। 3 साल में, 5-7 साल वाले प्रोजेक्ट को आप 2.5-3 साल में खत्म कर देंगे? 3 में खत्म कर दूंगा, 6 महीने हो गए हैं, 2.5 साल में मैं खड़ा कर दूंगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट साइज है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। 700 होटल कमरा है, रेस्टोरेंट 57 फ्लोर्स, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट है। लेकिन जब भगवान आपके साथ है तो माँ बाप का आशीर्वाद, बिल्कुल और सबसे बड़ी आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी और जी, आपका जो विजन है वो आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर लेकर जाता है। राजी, आपसे बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन बातचीत हुई, बहुत मजा आया, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से आपकी बातों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे। ये थे हमारे साथ दुबई में राज साहनी, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
क्या आप दुबले